रिलैक्स, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कुछ याद नहीं आ रहा है डॉक्टर, कुछ याद नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब ने क्या हुआ? इनके सर पर गहरी चोट लगी है और शायद इसी की वजह से इनकी याददाश्त चली गई। व्हाट? इंस्पेक्टर, आर यू श्योर? यस, इसीलिए इन्हें अपना नाम, घर, परिवार, पता पता कुछ भी याद नहीं है। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है? What's going on? Relax. मैं कौन हूँ डॉक्टर? मेरा नाम क्या है? मैम, एक मिनट प्लीज, आप परेशान मत होइए। आप सिर्फ याद करने की कोशिश कीजिए। आप जंगल में मिली थी, आपके कपड़ों पे बहुत सारा खून था, कैसे लगाई? क्यों? कुछ तो याद कीजिए। खून? खून कहाँ से है? जंगल? जंगल में? डॉक्टर मुझे, आपके हाथ में एक रॉड थी, खून लगा हुआ था उस पे, आपके कपड़ों पे खून था, क्या आप किसी से भाग रही थी, कोई मार रहा था आपको? कुछ तो याद कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओह कम ऑन, थोड़ा जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है डॉक्टर। डॉक्टर मुझे क्या आ रहा है? डॉक्टर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? डॉक्टर मेरा नाम क्या है? डॉक्टर मेरा नाम क्या है? डॉक्टर प्लीज, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे घर जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, देखिए इस वक्त इन पर दबाव डालना ठीक नहीं होगा, इनकी हालत और बिगड़ सकती है। डॉक्टर, हम इनसे कब बात कर सकते हैं? इनका स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, होने को तो दो दिन भी लग सकता है और दो साल भी, ये कहना मुश्किल है। देखिए डॉक्टर साहब, इनकी ये हालत, ये याददाश्त का खोना, ये चोट की वजह से है कि ये हमसे झूठ बोल रही? देखिए, इस वक्त ये सब कहना मेरे लिए मुश्किल है। सर, मुझे शक है कि ये हमसे झूठ बोल रही है। उसके कपड़ों पर जो खून था, अगर वो उसका नहीं है तो किसका था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी का खून करके भाग रही थी? नहीं 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 आदित्य, रॉड पे जो खून मिला था वो उसी औरत का था। और उस चोट की वजह से उसकी याददाश्त भी चली गई। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पकड़े जाने पर ये औरत बहाना कर रही हो मेमोरी लॉस का? हो सकता है विकास, हो सकता है कि वही खूनी हो, या हो सकता है कि वही इस जुर्म की चश्मदीद गवाह या विक्टिम, लेकिन जानना यह है कि सच क्या है। सर, मैंने मिसिंग लोगों की लिस्ट चेक की थी, उसमें वो औरत नहीं है। सर, क्यों ना हम उसका फोटो न्यूज़पेपर में डलवा दें? आई एम श्योर कि कोई ना कोई पहचान वाला जरूर सामने आएगा। नहीं आदित्य, मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई उसकी जान के पीछे पड़ा है तो वो इस एड को देकर उसका पीछा जरूर करेगा। ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। पर सर, ऐसे करें तो करें क्या फिर? ऐसे तो हमारे केस में कोई लीड ही नहीं है। या फिर वेट करें कि उसकी याददाश्त वापस आए और फिर पूछताछ करें? एक काम करते हैं, उसकी फोटोज लेकर जंगल के उसी रास्ते पे चलते हैं और सबसे पूछताछ करते हैं। अगर वो उसी रास्ते से गई थी तो किसी ना किसी ने तो उसे देखा होगा, वरना ऐसी जख्मी हालत में वो वहां तो नहीं पहुंच सकती। आदित्य सर, वो मैप लाओ। Wait, sir. यही वो रास्ता है जो जंगल के बीचों बीच होकर गुजरता है, और वो औरत भी यहीं से आई होगी। अब देखना है कि इस रास्ते से और कौन कौन से रास्ते जुड़ते हैं। आदित्य, मैप निकल। सर, ये जंगल और उसके आसपास का मैप है। सर, टोटल पांच रास्ते कनेक्ट करते हैं जंगल को। ये बस स्टॉप, एक ये हाईवे जिससे हम आए हैं, ये जंगल जो इस तरफ है, नदी, और ये रेलवे ट्रैक जिससे डायवर्जन लेके डायरेक्ट फॉरेस्ट से कनेक्ट होता है। लेकिन सर, अब ये कैसे पता लगाएंगे कि वो औरत इन पांच रास्तों में से कौन से रास्ते से इस जंगल में आई थी? वो
वो औरत हमें बेहोशी की हालत में इसी जंगल के बीचों बीच मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो इन्हीं पांच रास्तों में से किसी एक रास्ते से यहाँ पे आई थी। लेकिन सर वो रास्ता ढूंढेंगे कैसे? एक काम करो, उस औरत की फोटोस मंगवाओ। अगर वो इन्हीं पांच रास्तों में से किसी एक रास्ते से आई थी तो किसी ना किसी ने तो उसे देखा ही होगा। कम ऑन मूव राइट सर। सर जंगल में तो कुछ भी नहीं मिला, अब समझ नहीं आ रहा है कि उस औरत को ढूंढेंगे कैसे। ढूंढना तो पड़ेगा। अरे ये पुलिस वाले इधर क्या करने आ रहे हैं? मालूम नहीं है यार, अब हमने तो कुछ किया नहीं है, आने तो देख लेंगे यार। यहाँ तो दूर दूर तक रेलवे ट्रैक और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, इन लोगों से पूछताछ करते हैं। चलो। सलाम साहब, ये देखो इस औरत को पहले कभी देखा है? नहीं 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 साहब। ठीक है, विकास ये तो वही रॉडर ना जो उस बेहोश औरत के पास मिला था? हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही रॉड है। ये जो रॉड आपके हाथ में है ये काम करने के बाद अब यहीं छोड़ जाते हैं, अपने घर लेके जाते हैं? नहीं सर, इसे घर लेकर कौन जाता है, कौन बोझा ढोएगा? रात को यहीं रख देते हैं, सुबह आते हैं फिर काम करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा शक एकदम सही निकला, उस औरत ने ये रॉड यहीं से उठाया होगा। लेकिन सर इतने सुनसान इलाके में वो औरत इतनी रात को कर क्या रही थी? यहाँ कोई आसपास फैक्ट्री कारखाना या कोई दुकान है? वैसा तो कुछ नहीं है साहब, लेकिन एक पुरानी जगह है वहाँ पे जो खंडर हो चुकी है साहब, अब वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है साहब। कहाँ है वो जगह? इस तरफ है साहब, इस तरफ पड़ेगी। चलो सर, ये वही बंद वेयरहाउस लगता है जिसके बारे में वो लोग बता रहे थे। सर ये जगह काफी सुनसान लगती है, सालों से यहाँ कोई आया नहीं है। एक काम करते हैं, चल के देख लेते हैं। आदित्य सर तुम ही लॉक करो। राइट सर। चलो गौतम भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचता हो। कितनी अजीब जगह है ये सर, यहाँ इतना धुआं क्यों है? कुछ तो अजीब है सर। स्मेल कहाँ से आ रही है? बस देखते हैं।
तो अजीब सी जगह है। अरे आनंद, तुमको क्या करने लगा था? पार्क में आए हो? अच्छी तरह देखो, तलाशी लो। अच्छी तरह सर्च करना हर तरफ। सर इस जंगल के पास एक वेयर हाउस है, लेकिन यहां अब तक तो कुछ नहीं मिला है। ये धुआं कहां से आ रहा है? वहां देखते हैं। चलो। आग, इसको बुझाने का इंतजाम करो फौरन। राइट सर। एक मिनट। ये वॉलेट और ये कपड़े यहां कैसे आए? ये आग तो जानबूझ के लगाई गई है, मगर क्यों? सरकटीली बॉडीज बर्फ पे लटा है, परेशान भी है। ये गला इतनी सफाई से काटा गया है कि कोई जोर जबरदस्ती का निशान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि खूनी ने जानबूझ के इनकी लाशें बर्फ पे रखी ताकि ये सड़े नहीं और इनमें से बदबू ना आए, और वो सही वक्त आने पर इन्हें जला दे। सर या? इस कनस्तर में तो सिर्फ केरोसिन है। ठीक है, रख दो उन्हें। विकास सर, इनकी हथेलियां देखी, जला दी गई हैं। सर हम तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं ले सकते। इनकी बॉडीज पे ये जो निशान है, इन्हें देखकर तो ऐसे लगता है कि इन्हें किसी चीज से बांधा गया था। सर शायद इन्हें यहाँ कैद करके रखा गया होगा, और वैसे भी कातिल इतना शातिर है कि उसने शिनाख्त करने का कोई भी जरिया नहीं छोड़ा है।